सनम, इट्स ओके, डोंट क्राई प्लीज। मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये बहुत कीमती है। सनम, ये तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं है, सो डोंट क्राई, ओके? और मेरे पास एक पुराना कैमरा है, मैं उसके पार्ट से ये रिपेयर कर लूंगा, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जब तक ये काम चल रहा है तब तक तुम्हें यहीं पर बैठना होगा मेरे सामने, और तुम कहीं नहीं जाओगी, तो कम ऑन, यहाँ पे बैठो। And you have to promise me. Promise. आखिर मैं भाग कर जाऊंगी कहां, आप ही तक तो लौट आऊंगी। मैं उस पतंगे की तरह हूं जो कैंडल के इर्द गिर्द घूमता है। ओके, तो ट्राई करते हैं, ये काम कर रहा है या नहीं। स्माइल प्लीज। ओके, थोड़ा सा और स्माइल। हाँ, इट्स परफेक्ट नाउ। ठीक है, फिर मैं इसे जेजे को दे आती। नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं उसे दे दूंगा। तुम मेरे साथ चलो ना, साथ में कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर लेते हैं, यू नो। कम, आजा आजा, कम कम, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, कम आजा। सुनो, ये तुम्हारा प्रोफेशन है ना कि लोगों को गलत फैसले लेने से तुम रोको। तुम कोच ही हो ना, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, अपनी जॉब क्यों नहीं? आंटी मैथ्यू, आप मेरी बात सुनती कहाँ है? आपने ही तो कहा था कि आप इस प्राइस पर काम करेंगी, और आपने लिख भी दिया। मैंने कुछ नहीं कहा आंटी। लानत है मुझ पे, मैं इतनी जल्दबाजी क्यों करती हूँ? मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया, मैंने कैसे बनाया पता नहीं। वैसे कैसे बनाया? मैं दिन भर काम करती रही हूँ, पूरा बदन दर्द कर रहा है, और मिलेगा क्या? हमें प्रॉफिट कितना होगा? हाँ, सिर्फ 20 लिराज ही आपकी प्रॉफिट है। मैं क्यों करती हूँ ऐसा? हर जगह खोदना जरूरी है क्या? क्यों किया मैंने ये सब? पता नहीं, हमेशा जल्दबाजी करती हूँ, पता नहीं मैं ऐसा क्यों करती हूँ, हमेशा जल्दबाजी करती रहती हूँ, इसीलिए ऐसा होता है। मैं तो करने कुछ और गई थी। और आप मेरी बात सुन रही है ना? आपको हो क्या गया है? हो जाओ, कुछ आंटी मैफ के बे, क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? मुझे पता है मैं कुछ कर सकती हूँ, पर अब क्या होगा? आंटी मैफ के बे, तो हो गया, अब क्या हो सकता है? ये तो पागल हो गई है। ये सही रहा कि हमने मिस्टर उस्मान को सिलेक्ट किया, उनकी लुक भी अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे भी पसंद है, ये हमारी नई डिस्कवरी है। जब तक स्टेज प्रॉप चेंज हो रहे हैं, क्यों ना एक एक कप कॉफी हो। हाँ हाँ, बिल्कुल, चलिए चलते हैं। मिस्टर इमरे, मैं देख कर आती हूँ कि उस्मान तैयार हुआ या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच लैला। आंटी मैफ के बे आंटी, अब तो मैं चलती हूँ। लगता है अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मैफ के बे आंटी। तो फिर एक काम करते हैं, जब खाना तैयार हो जाएगा तब मैं और मुजो खाना लेने आएंगे, ओके आंटी? आई होप आपने सुना। आयान, हाँ, कैसी हो तुम बेटा? अच्छी हो, लेकिन वहाँ देखिए कि मेवकी बेगो क्या हो गया? पता नहीं, ये अपने आप से ही अजीब और गरीब बातें कर रही हैं। पर अब आप आ गए हैं तो मैं चलती हूँ, बाय बाय। मैं क्यों बे? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैं खुद से ये सवाल कर रही हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो मैंने ऐसा कर दिया? कोई बता सकता है? बता सकते हो मुझे मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे खुद नहीं पता। हाँ, ओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे सिर्फ चाहिए कि तुम ठीक रहो। तुमको
जो भी करना है वो करो, लेकिन मयूकी बे ये क्या है, पूरा बर्तन खाने से भरा हुआ रास्ते पर। मत पूछो, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती हूँ। मैं बता नहीं सकती मैंने कितना काम किया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सिर्फ 20 लिरास के लिए, सिर्फ इतने से मुनाफे के लिए मैंने ये काम किया। 20 लिरास किस लिए? हाँ, सिर्फ इतने से प्रॉफिट के लिए किया है। अच्छा ये बताओ कि तुम बेटियों से मिले कि नहीं? हाँ, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लैला अच्छी है, अच्छी लग रही थी, और सनम तो सनम है, वो हमेशा वैसी ही रहेगी हर जगह, चाहे घर पर हो या ऑफिस पर। मिस्टर चान उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, वरना कब को उसको फायर कर दिया होता। कब का तुम यकीन भी नहीं करोगी, उसे कब का नौकरी से निकाल देते। तो क्या मुझे कोई गलत फहमी हुई? कैसी? सिर्फ इतने से मुनाफे के लिए मैंने ये काम किया। हो सकता है सनम ने इसी वजह से उम्मीद पाल रखी है, कितना अच्छा इंसान है वो। नहीं मैकबे, बीच में मत कूदो, शांत हो जाओ, खुद को शांत रखो। बोलो मत, ओस्मान का केस तुमने एक स्कैंडल ही बना दिया था। नहीं नहीं शांत हो, तुम बहुत थक गई हो मयूकी बे, बहुत। हाँ, मुझे तुम्हारी जल्दबाजी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मयूकी बे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारा मेकअप परफेक्ट हुआ है। सच कह रही हो क्या? हाँ, तुम्हारी स्किन पर इतना ग्लो है कि तुम्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू। हेलो लैला, तुम क्या कर रही हो? ओस्मान और गाते के मैनेजर चेंज हो गए हैं, उन्हीं से मीटिंग थी। इस गोल्फ कॉस्ट्यूम में काफी अच्छे लग रहे हो। थैंक्स, मैं बिजनेसमैन बनके शूट कर रहा हूँ आज। लेकिन कुछ भी कहो, ये बहुत परफेक्ट लग रहा है, मुझे यकीन है फोटोज भी बहुत अच्छी आएंगी। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय मिस्टर उस्मान, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक सेकेंड रुको। ओ, ये हैट तुम पर बहुत अच्छी लग रही है कसम से। अच्छा, मेरा एक दोस्त है जो बोर्डिंग स्कूल के वक्त का है, और वो बहुत फेमस शेफ है। मैं तुम्हें आज उससे मिलवाना चाहता हूँ। क्या बोर्डिंग स्कूल गए थे, इस्तांबुल में नहीं थे? एक्चुअली जब मॉम एमरे को लेके अब्रॉड चली गई थी, तब डैड का बहुत बुरा वक्त चल रहा था और वो डिप्रेशन में थे। कितनी बार तो वो घर पर भी नहीं आते थे, और तब मैं बहुत अकेला महसूस करता था, और इसीलिए मैं बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता था। मतलब आप मिस्टर एमरे के साथ नहीं थे उन सालों? मुझे नहीं पता था। आओ ना बैठते हैं। तब एमरे स्विट्जरलैंड में था और मैं यहाँ पर, हम दोनों एक दूसरे से साल में एक दो बार ही मिलते थे। मैं चाहता था कि हम साथ रहें। मैंने कई बार उससे कहा भी, एमरे हमें साथ में रहना चाहिए एक फैमिली की तरह, लेकिन मेरे डैड ये नहीं चाहते थे। डैड को समझाने की भी कोशिश की। यू नो, एमरे बहुत छोटा था, वो वहीं बड़ा हुआ, उसे वही फॉरेन लैंग्वेज आती थी। हम दोनों भाई अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। फिर यूनिवर्सिटी के बाद डैड उसे यहाँ ले आए और उसने कंपनी ज्वाइन कर ली, तो बहुत सालों बाद हम एक फैमिली की तरह हैं। आप मिस्टर एमरे से बहुत अटैच है ना? हाँ, हम अपने सिबलिंग से क्लोज तो होते ही हैं, खासकर मेरे जैसा एक लोनली आदमी। मैंने बहुत जल्दी तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। वैसे मैं अपनी प्राइवेट लाइफ किसी से डिस्कस नहीं करता, क्योंकि शायद तुम मेरे बारे में जानना चाहती थी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे भी ऐसी आदत है, इससे वक्त जल्दी गुजरता है।
सच में? एक्चुअली मुझे ये कहना है कि आपके साथ वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है। हाँ सही कहा तुमने। अच्छा चलो मेरे दोस्त से मिलने चलते हैं, अभी क्या कहती हो? प्लीज चलो ना, चलते हैं एक बार, प्लीज मना मत करना, प्लीज। थैंक यू सो मच, चलते हैं। क्या तुम बाहर कब आओगी? मुझे लगा कि आप कुछ लेने आए हैं, मैं यही रुकती हूँ, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। सैनम, पॉलिन चली गई है और उसके बारे में अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो मैं खुद तुम्हें बताता हूँ। पॉलिन ने सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था और तुम्हें गलत इन्फॉर्म कर दिया, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आई एम सॉरी। सॉरी सच में तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बताओ। नहीं सॉरी, वो मैं आपके प्राइवेट लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। बाहर आओ, चलो बाहर आओ। कम कम। ये तो रोलर कोस्टर जैसा है भाई। कैसा है भाई? कैसे हो जान? हाँ मैं ठीक हूँ। वेल सब कुछ रेडी है, होप यू विल लाइक इट। ओके लेट मी इंट्रोड्यूस हर, ये है सनम। हेलो सनम। हेलो। आज के लिए सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों का इंतजार तो अपने घर पे कर रहा था। आप लोग मेरे घर पे आइए ना कभी, बैठ के कॉफी वॉफी पीते हैं यार। ये अपने घर हमें इनवाइट कर रहा है? अरे बिल्कुल आऊंगा मेरे भाई, जरूर आऊंगा। ओके जान मुझे जाना है अभी। चले लेट्स गो। कम कम। ये किस लिए? हमारे लिए। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है ना। वैसे ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। प्लीज रिलैक्स करो, किसी चीज की फिक्र मत करो, जस्ट चिल। चलो साथ में खाते हैं, ओके? ठीक है। ये परफेक्ट लग रहा है। सिर्फ तुम परफेक्ट हो। और हाँ तुम्हारे लिए नो वाइन। हाँ मुझे वाइन नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम ये कर पाएंगे, कितने सारे काम बाकी है, तुम लोग जल्दी करो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो फौरन मुझे रिपोर्ट करो, मुझे कोई भी काम आधा अधूरा नहीं चाहिए। ओके हाँ दीजिए। हाँ कान तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। माय प्लेजर मैम। ओह जरन सब कुछ ठीक चल रहा है, एमरी कस्टमर से बात कर रहा है, उन्हें उस्मान बहुत पसंद आया है। ओह थैंक यू इतनी फालतू जानकारी देने के लिए आयलिन, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोई प्लान है क्या, या फिर तुम यहाँ आई हो अपना टाइम वेस्ट करने? हाँ वैसे ऑर्गेट मेरा कस्टमर है। हाँ तो मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे कस्टमर को मुझसे छीन ले, लेकिन हम साल भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कस्टमर के साथ। ओह एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि हम अग्री कर चुके हैं, गलीना तुम्हारा और गेट मेरा। मतलब गलीना के पीछे तुम नहीं हो? ओह डेरिन देखो, गलीना तो सिर्फ एक ब्रांड है, और मैं क्यों उसके पीछे पड़ूं? अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो ना, तुम तो क्रिएटिव हो। तो अपने क्रिएटिविटी के बारे में क्या बात करोगी आइलिन, मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ। और गेट मेरा कस्टमर है, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे कस्टमर को मुझसे छीन ले। वैसे कल हम साल भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कस्टमर के साथ, जैसे कि हम अग्री कर चुके हैं, गलीना तुम्हारा और गेट हमारा एक साथ खड़े हैं, और जान हमेशा की तरह गायब हो गया है, और मिस्टर अजीज रिटायर हो चुके हैं, और मैंने एमरे से शादी कर ली है, और मैं यहाँ मैनेजर हूँ आइलिन डेविड, और मैंने तुम्हें फायर कर दिया है। देखो मैं तुमसे इमोशंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकती आइलिन, तुम्हें ये सब कॉमेडी लग रहा है आइलिन? नहीं ये कॉमेडी बिल्कुल नहीं। आइलिन मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाती, चाहे तुम जितना भी कोशिश कर लो। ओके वैसे मैं एक रियलिस्टिक बात बताती हूँ, मिस्टर अजीज और मिस्टर जान
यहाँ से चले गए हैं। वाओ सुपर। लेकिन मैं एग्जिस्ट करती हूँ और मिस्टर एमरे भी, और हमारे पास मेटिन है एक ग्रेट अथॉरिटी जो साइन कर सकता है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारी एक मिस्टेक तुम्हारी पूरी लाइफ रुइन कर सकती है। एंड आइलिन यू विल बी फिनिश्ड। और ये जो तुम सोच रही हो इस कंपनी को टेक ओवर करने का, वैसे ये तुम्हारा गलत डिसीजन है आइलिन। तुम्हें बर्बाद कर सकता है। मेरे पास और भी काम है, मैं जा रही हूँ। टीम जल्दी काम खत्म करो। और ये सब अरेंज क्यों नहीं हुआ? अच्छा तो ये बाकी है, सोचना पड़ेगा तुम्हारे बारे में भी। तो सनम तुम्हें ये सब कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा डिलीशियस खाना नहीं खाया। मैंने टर्टेरियन मीटबॉल कैसे खिला दिया मुझे यकीन नहीं हुआ। कह दो कि ये सच है। हाँ सच है। आपको ऐसे डिलीशियस डिशेस पसंद है ना? पोलन बनाती थी ना आपके लिए। आपको उस रात हट में मेरा होना जरूरी क्यों लग रहा था, जबकि पोलन आपके साथ अकेले रहना चाहती थी? मैंने सोचा तुम चली गई हो और पॉलिन को वहां हट में मेरे साथ में रहना था, तो हम घर वापस आ गए। सनम, उस हट में जाने वाली सिर्फ तुम अकेली इंसान हो, वहां तुम्हारे सिवा कोई नहीं गया। समझ गई। सनम तुम कितनी ब्यूटीफुल हो यार, सच में। वैसे एक बात बताओ, इस वक्त क्या फील कर रही हो? ऑनेस्टली बताना, ओके? डर लगता है। डर? किस बात का डर? वो मुझे पता नहीं। सनम इसे छोड़ो, आओ आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ, बहुत स्पेशल जगह। कम सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ हाँ, हम तो इन्फेक्टेड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ग्रेट, बढ़िया। हाँ वो देखो मैथिन भी आ गया, ये हमारे लॉयर हैं। आओ मैथिन। हेलो। हेलो, मैं हूँ सर। नाइस टू मीट यू मैम। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। सेम हियर सर। मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया तो मैं आपसे थोड़ी इजाजत चाहूंगा, ठीक है? श्योर, हम अंदर जाते हैं। ओके ठीक है, बाय बाय। बाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ और क्या चल रहा है? अच्छा तुम वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आए या नहीं? हाँ, मैं लेकर आया हूँ, मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे काम है। आई एम सॉरी तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे लिए बहुत ही जरूरी नहीं, कोई बात नहीं है। मैंने गलीना के कॉन्ट्रैक्ट्स बना लिए हैं, मैं कल आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगा, ठीक है? एमरे, एक और बात, मेरी बात सुनो। देखो आइलिन बहुत खतरनाक लेडी है, उससे बच के रहने में ही भलाई है तुम्हारी। डोंट वरी, मैं ये जानता हूँ। चलो मिलता हूँ तुमसे। और हाँ, तुम्हारी मॉम के रिपोर्ट्स के बारे में क्या होगा? देखो ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज होंगे, हम साथ बैठकर एक बार चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है? तुम मेरे भाई के साथ बैठकर बात करो। आमिर, उससे बात करना बेकार है, वो तुरंत नाराज हो जाता है। मैथिन, तुम्हें पता है ना, मॉम को एजेंसी के बारे में नहीं पता चलना चाहिए जब तक वो मैनेजर है, हम दोनों प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ आमिर? हाँ, आपकी मॉम इस कंपनी की पार्टनर है और उनको रिपोर्ट चाहिए। जब मिस्टर अजीज थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम उनको रूटीन भेज देते थे, लेकिन जब से जान आ गया चीजें बिल्कुल चेंज हो गई है। आपकी मॉम को हर चीज की रिपोर्ट चाहिए होती है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये रिपोर्ट मॉम को मत भेजो और मेरे भाई को इस बारे में मत कहना, तुम तो उसे जानते ही हो ना, ठीक है? इस बात का ध्यान रहे। चलो मिलता हूँ। बाय बाय। चले गए मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन,
सनम तुम यहाँ पर? आ जाओ अंदर। यहाँ से? हाँ बिल्कुल यही रास्ता है और सनग्लासेस में तो तुम्हें और अच्छे से दिखेगा। कम हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारा इस्तांबुल सबसे अच्छा और खूबसूरत दिखता है। और अगर हमें यहाँ के ओनर ने पकड़ लिया तो? Well, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस घर का ओनर सिर्फ मैं हूँ और मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। Okay. कितना कितना खूबसूरत है। अगर ये आपका घर है तो आप यहाँ क्यों नहीं? Well, जब हम बच्चे थे तब हम इसी घर में रहते थे लेकिन फिर पापा ने इस घर को छोड़ दिया। लेकिन ये घर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं हमेशा इस घर में आता हूँ। जब भी इस्तांबुल की धड़कनें सुननी होती है तो ये घर उसके लिए परफेक्ट है। इसलिए मैं जब भी इस्तांबुल आता हूँ इस घर में जरूर विजिट करता हूँ। मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ। ये कितना खूबसूरत है। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पता है सनम, मैं दुनिया के हर पार्ट में घूमा हूँ, हर जगह गया हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जगह सबसे खूबसूरत है। इस्तांबुल हर वक्त चेंज होते रहता है लेकिन अपनी खूबसूरती को बरकरार रखता है। जब भी शहर को देखना होता है मैं इसी पॉइंट पे खड़ा होता हूं। तुम अपनी आंखें बंद करोगी ना, इस्तांबुल की आवाज सुनाई देगी। इस्तांबुल की आवाज? मैं आंखें बंद करती हूं। क्या सुना तुमने? सीगल की आवाज, बच्चों की हंसी और हवा की धुन। और क्या? मेरी आवाज, आपकी आवाज, हम दोनों की आवाज। और क्या? और हम दोनों की आवाज। मुझे तुमसे प्यार हो गया सनम। सनम, मेरी आंखें खुली हो या बंद मुझे सिर्फ तुम्हें दिखती हो। घर जाता हूं तो तुम दिखती हो, समंदर किनारे भी तुम्हें दिखती हो, अकेले में होता हूं तो तुम होती हो, जमीन आसमान हर जगह सिर्फ तुम होती हो, हर जगह सिर्फ तुम होती हो सनम, सिर्फ तुम होती हो। तुम कुछ नहीं कहोगी? कुछ नहीं कहूंगी। मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना? मैं कहां भाग सकती हूँ। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब तुम नहीं भागी, उस रात तुम मेरे पास आई थी लेकिन तुम ड्रंक थी। वो वही रात थी जिस दिन मैंने आपको बैड किंग बोला था, है ना? मैंने बेवकूफी की थी उस दिन। हाँ तुमने मुझे बुलाया और फिर डांस करने के लिए कहा, मुझे देख के सिर्फ स्माइल किए जा रही थी तुम और अपना सर मेरे सीने पर रखा था।
और फिर मुझे छोड़ा ही नहीं। Zeyninde birkaç zamandan kalan yalan. Serin bir yaz günü sen kırmızı. Katilim olur musun yeniden yaşamaya? Dokunsam ağlayacağım gibisin sen. Kırmızı ये सारी टेंशन वाली चीजें मुझे कैसे भी करके ढूंढ ही लेती है। मुझे इतनी टेंशन होती है ना। बचाओ, कौन है, कौन है? ज़ेबो, ज़ेबो, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, मुझे बताओ। ये जे, तुम मुझे एक बात बताओ, इतने अंधेरे में तुम अपनी मूछों के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हॉरर मूवी का कैरेक्टर हो। मुझे स्टेज नहीं मिल रहा था तो मैं यहाँ से आगे और वहाँ पर जा रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, मुझे कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था। ऊपर से तुम मुझसे टकरा गए, मैं क्या करता? बोलो भाई, ये बैक स्टेज है, यहाँ पर एक्टर्स लोग आते हैं, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, पर उस्मान एक्टर बन गया। मैं इतना टैलेंटेड हूँ पर मुझे मौका नहीं मिला। उस्मान ने मेरा चांस छीन लिया, मेरे पेट पर लात मारी है उसने, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। मैं एक्टर बन के रहूंगा, मैं एक्टिंग को बहुत शिद्दत से प्यार करता हूँ। ज़ेबो, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। लाओ दो, हेल्प करता हूँ, जाओ। अच्छा, वो उठाता हूँ। जाओ यहाँ से, जाओ, तुम छोड़ो मुझे। ज़ेबो, रुको, यकीन नहीं होता, जब भी तुम सेट पर आते हो तो प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो। आज ही मत करना, मेरे अपने भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, मुझे अकेला रहने दो। आज तुम यहाँ मत आओ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। क्या कहा मेरे भाई, तुम्हें सीने में दर्द हो रहा है? हाँ। दर्द क्या होता है मुझसे पूछो भाई, मुझसे पूछो। मेरे हाथ से लड़की भी चली गई और नौकरी भी चली गई, ये एहसास बहुत ही दर्द भरा है। अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ सनेम के बारे में ही सोचा है, कभी भी अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सनेम को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बस यही मैं जिंदगी भर करता रहा और हार गया। सच में तुम इस प्यार की बीमारी से परेशान हो? मैं भी सेम सिचुएशन में ही हूँ। क्या सच में भाई? हाँ। कौन है वो? ये मत पूछो, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं बताना चाहिए। कौन है, बताओ? क्यों बता दिया तुमको? मैं नहीं बताऊंगा। कौन है? मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? ठीक है, मत बता। मैंने अपने प्यार के बारे में बताया, हम मिले, उसने कहा मुझे तुम्हारी जैसी फीलिंग नहीं है। ये मैं जानता हूँ कि मुझे उसको भूलना पड़ेगा, लेकिन सेम टाइम में नहीं, उसे मत भूलो, भागो उसके पीछे, भागते रहो जेजे, भागते रहो। ये बहुत ही अलग तरीका है प्यार करने का, एक तरफा प्यार क्या होता है वो नहीं जानेंगे, लेकिन तुम्हें भी हार नहीं माननी है। चाहे जो हो, तुम्हें जिंदगी भर उसे प्यार करते रहना है जेजे, चाहे वो तुम्हें इनकार करे, तुम्हारी बात नहीं माने, पर तुम्हें एक आशिक का रोल अच्छे से निभाना है। इधर आओ, मुझसे गले मिलो भाई, मुझे हाथ मत लगाना। आओ ना भाई, आ जाओ प्लीज, आओ ना, एक गले मिलो, नहीं, बस नहीं, एक हाथ, मुझे हाथ मत लगाओ। आओ यार, से दूर हो, मत करो, ऐसा गलत है। दिल भर आया मेरा तुम्हारी बात सुनकर। बस भी करो, क्यों रो रहे हो? हम दोनों का दर्द एक जैसा ही है, हम समझ सकता हूँ, जोड़ ही दिया। बस करो, चुप हो जाओ, शांत रहो। हम दोनों एक ही नाव में सवार है भाई, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। सनम, मैं अब भी इंतजार कर रहा हूँ मेरे उतरने का। अरे नहीं, तुम्हारे कन्फेशन का। क्या? नहीं, तुम भी कन्फेस करो, कहो कि तुम भी मुझसे कन्फेस करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं अभी नहीं कहूंगी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। वक्त चाहिए? ओके, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ
मैं श्योर नहीं हूँ अपने फीलिंग्स के बारे में। कोई बात नहीं, देखो मैंने तो कन्फेस कर दिया, अगर तुम्हें कन्फेस करने में हेल्प चाहिए तो आई कैन हेल्प यू। वैसी बात नहीं है, मुझे पहले खुद को कंसिडर करने दो, मुझे सोचने दो अपने बारे में, उसके बाद मैं आपको कह दूंगी। बाद में बताओगी। ओके, तो तुम टाइम लेना चाहती हो। अच्छा ये बताओ कि जब तुम कन्फेस करोगी तब लिखकर बताओगी या फिर बोलकर? ओरल। ओरल। अच्छा ओरल, ओके नाइस गुड। बहुत अलग हो तुम। खैर तुम जो भी करने वाली हो आई विल डेफिनेटली लव इट। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। ओह अभी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। सुनो थोड़ा इसे ऊपर करो, बस ठीक है। बेबी लाइट डिम करो जरा, वहां पे लाओ। बस सब लोग तैयार है ना? वेरी गुड। गुड शॉट। सब लोग एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है ना, पूछो मत। मुझे पता है और बहुत मजा आ रहा है मुझे। पुलिस तुम बिल्कुल पागल हो क्या? उस्मान कहाँ है? वो किसी और के साथ छूट कर रहा है। जीजे उस्मान कहाँ है? उस्मान कहाँ गायब है? खामोश चुप। हम शूट करने के लिए तैयार है। सर जा उस्मान को बुला लो प्लीज। उस्मान अच्छे लग रहे हो, बहुत हैंडसम दिख रहे हो, क्या बात है। थैंक यू सो मच। वो ऑलरेडी हैंडसम है पर पहली बार और भी हैंडसम लग रहा है। हाँ सही कहा, ये पहली बात होगा आइलैंड कि मैंने तुम्हारे साथ एग्री किया है। अगर ये हो गया है, ताली क्यों मार रहे सब लोग? एक सूट ही तो पहना है उसने, तालियां तो ऐसे बजा रहे जैसे बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया उसको। भाई वो बहुत बड़ा स्टार नहीं है, एक आदमी है। ये सब बकवास बंद करो और जल्दी से शूट स्टार्ट करो। कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत हो गया। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। मुझे अभी एक भी ताली की आवाज नहीं आनी चाहिए, एक भी नहीं। समझ गए सब लोग? मेरे भाई अगर आप थोड़ा खामोश रहेंगे तो हम काम शुरू कर देंगे। ठीक है, आओ आओ। क्या कर रहे हो भाई? काम शुरू नहीं कर रहे हो? मैं क्या करता? करते रहते हो, चुपचाप कर रहे हो। चलो पोजीशन पे आ जाओ सब लोग। रेडी? पता नहीं क्या गुल खिलाएगा ये, देखता हूँ मैं भी जरा। अच्छा कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करो। क्लोज अप शॉट, बढ़िया, बहुत अच्छे। थोड़ा राइट उस्मान। क्या घटिया पोज मार रहे हो तुम यार? हमने बात की तेरे घर पे? यार कैसे पोज मार रहे हो, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। ये फ्रूट ड्रिंक है, कोई पॉइजन नहीं है। तुम तो ऐसे पी रहे हो जैसे कोई जहर हो। जरा मुस्कुराओ यार, खुश रहो, एंजॉय करो। ऐसे घटिया पोज दे रहे हो फिर भी सब लोग तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे थे। क्या बोल रहे हो तुम यार, प्लीज चुप हो जाओ। देखिए मैं फोटोग्राफर हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। तुम चुप नहीं रह सकते क्या थोड़ी देर भी? कंट्रोल नहीं हो रहा, चुप जाओ। मुझे माफ कर दीजिएगा, आप ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप चुप क्यों बैठे? ये तो फोटो शूट है ना, आवाज सुनी है कि हमारी? चुप क्यों बैठना है हमें भाई? तुम इतने सारे सवाल आखिर क्यों पूछ रहे हो? चुपचाप खामोश नहीं रह सकते हो क्या? ओके, तो काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है तो अब मैं जा सकती हूँ। मेरी एक मीटिंग है क्लाइंट के साथ, नया कस्टमर है। अच्छा तो क्या है, कौन सा कस्टमर है? हमारे पास तो कोई नया कस्टमर नहीं है इस वक्त। क्या हम उस कंपनी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं? कौन है वो? ओ, देखो जरा डिस्टेंस बना कर रखो, इतना करीब आना ठीक नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सी यू लेटर।
अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो, क्या बोलना है? हाँ आओ बैठो यहाँ पे, मुझे कुछ पूछना है। बोलो। तुम्हारे पास उस्मान का नंबर है क्या? हाँ है, लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए? मुझे दो ना, सनीम ने कहा कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। कोई बात नहीं है, इसलिए तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेती? ऐसे टीनेजर की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? अमरे मेरे भाई, तो एंजॉय कर रहे हो यहाँ पर? हाँ, अरे यार तुम्हें थोड़े चॉकलेट और स्ट्रॉबेरीज भी रखनी चाहिए थी, है ना? वेलकम सुपरमैन, क्या बात है, तुम बड़े खुश लग रहे हो आज। सुपरमैन और मैं? उस रात भी तुम आधी पार्टी में से चले गए थे अपने ब्लैक सूट में, क्या बात थी? प्लैनेट को बचाना था क्या? मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? और मैं प्लैनेट को नहीं, खुद को बचा रहा था। भाई आजकल तुम बहुत मिस्टीरियस हो गए हो। मैंने मुश्किल से मनाया था कि एनिवर्सरी के दिन टक्सीडो पहनो, और तुम कहीं भी पहन के जा रहे हो, आखिर बात क्या थी भाई? दोस्त लंबी कहानी है, सच में बहुत लंबी कहानी। बताओ तो सही, मैं सुन सकता हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है। क्या तुमने फॉरेन से बात की है क्या? वो प्लेन में थी। एंड? उसने इंग्लैंड वापस जाने का सोच लिया। वाह दैट्स ग्रेट, उसके लिए अच्छा है। भाई हाँ? तुमने पोलेन को क्यों छोड़ा बताओ? वो इतनी अच्छी लड़की थी, तुमसे प्यार करती थी, आखिर प्रॉब्लम क्या थी? क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? बताओ। हाँ बोलिए ना। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या कहा? किसी और से प्यार करते हो? किससे प्यार करते हो बताओ भाई। सनम से। अपनी सनम से? अपनी सनम। पता है मैं बहुत प्यार करता हूं उससे, वो टीनेज वाला प्यार। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है यार, मैं सच में सनम से बहुत प्यार करता हूं। सनम से? सनम से। मैं समझ गया, और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पर सनम, पोलेन ने ऐसा क्या किया? अच्छी थी वो, क्या बात है? तुम्हें कैसे बताऊं सनम मेरे लिए क्या है? शी इज पैशनेट, शी इज सो फुल ऑफ लाइफ यार। उसके अंदर लाइफ को लेकर एक अलग ही पैशन है, मैंने उसके जैसे लड़की पहले कभी नहीं देखी। वो लाइफ को रिलेट करती है नेचर से, लिटरेचर से, यू नो, फूल पत्ते, समंदर, तारे, हर चीज से बहुत पैशनेटली जुड़ जाती है। मैं जितने लोगों को जानता हूं उनमें से सबसे अलग है। उसमें इंसानियत है, दिल की बहुत अच्छी है। पता है जब मैं उसके साथ होता हूं ना, बहुत खुश होता हूं। मैं हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता हूं। आई कांट लिव विदाउट हर, शी इज परफेक्ट। मेरा भाई तो एकदम आशिक की तरह बात कर रहा है, जान देवित आशिक। देखो भाई एक बात कहूंगा, सनम तुम्हारे लिए अच्छी लड़की नहीं है। अरे क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता वो मेरे लिए अच्छी नहीं है? वो बहुत सीधी साफ दिल की है सनम, तुम उसे दुखी कर दोगे। नहीं करूंगा। तुम करोगे? नहीं यार। तुम करोगे? नहीं यार। तुम करोगे? अरे यार ऐसा कुछ, कम ऑन, कितने दिन चलेगा ये सब? इस्तांबुल से चले जाओगे, उसके बाद क्या क्या करेगी वो बेचारी? वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी क्या? हेमरे प्लीज यार, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो सच में, मुझे तुमसे बताने नहीं चाहिए था, लीव इट यार। और कितनी नेगेटिव बातें कर रहे हो यार, मैं तुमसे कुछ शेयर कर रहा हूँ, मैं इमोशनल हो रहा हूँ, और तुम सिर्फ ये कह रहे हो कि ये वर्कआउट नहीं करेगा। कम ऑन यार। वो ग्लास मेरा है। नहीं लेकिन अब ये मेरा है, जाओ दूसरा ग्लास लो, गो, जाओ 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 यहाँ से, गो, चलो जाओ यहाँ से। जरा देखो तुसे अपनी हालत, मैं आशिक हूँ सनम का। हाँ ठीक है ठीक है, ओके गो। और सुनो ग्लास लेके जल्दी आना, आई एम वेटिंग हियर।
peki güvercin, yanında ki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.